हेयर ग्रोथ के लिए टोनर, सीरम, मास्क, डीआईवाई ऑयल, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, पर हमें अपना हेयर ग्रोथ करना है, हमें लॉन्ग हेयर पसंद है, हमें अपनी हेयर को थोड़ा सा थिक बनाना है और हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, कोई इजी सा तरीका बता दो। सो आज मैं आ गई हूँ सबसे इजी वाला तरीका लेके। आपको कुछ यूज़ नहीं करना है अपने बालों पे, रेगुलर जैसे आप हेयर केयर करते हो ऑयलिंग शैम्पू वो तो आप करोगे ही, बट हेयर ग्रोथ के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आपको बस अपने डेली डाइट में कुछ कुछ चीज़ें ऐड करना है और आप देखोगे कि आपके हेयर ग्रोथ कितनी ज़्यादा फास्ट हो गई है। आज मैं आप सबके साथ 21 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर करूंगी जो मैंने खुद फॉलो किया है और मैंने देखा है कि मेरे हेयर ग्रोथ में कितना ज़्यादा सुधार आया है और वही आप लोगों को भी करना है। तो क्या करना है आपको, पूरा वीडियो आपको देखना है बिल्कुल एंड तक, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, आई एम रूंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे रेगुलर नेचुरल होममेड रेमेडी शेयर करती हूं जिससे आप अपना स्किन केयर और हेयर केयर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई डीआईवाई या फिर कोई टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको अपनी डेली डाइट को थोड़ा सा बेहतर बनाना है जिससे कि आपका स्किन भी ग्लो करने लगेगा और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको अपने डेली डाइट पे सीजनल फ्रूट्स को ऐड करने हैं। जिस सीजन में जो फ्रूट मिलता है हमें वो लेना चाहिए, इससे हमारा स्किन ग्लोइंग होता है और स्कैल्प भी हेल्दी रहता है। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको अपने डाइट में एक फिश और मीट को ऐड करना होगा, इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हेल्दी हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको अपने खाने में ऐड करना होगा मिल्क प्रोटीन, सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन, जिन जिन खानों में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और आप मॉर्निंग पे ये ड्रिंक ले सकते हो। हमें डेली लेना है शीशा आयुर्वेदिक हेयर केयर जूस। इसका की इंग्रेडिएंट है आमला, एलोवेरा, भृंगराज एंड दारू हरिद्रा। ऑल्सो इट्स 100% सेफ, नो साइड इफेक्ट, नो एडेड सुगर, नो एडेड फ्लेवर, नो एडेड कलर। इसमें है आमला जो हेयर फॉल को और हेयर थिनिंग को रिड्यूस करती है और प्रीमैच्योर ग्रे हेयर को प्रिवेंट करती है। एलोवेरा स्कैल्प को हाइड्रेट बनाती है, हेयर फॉल को रिड्यूस करती है और भृंगराज हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है। दारू हरिद्रा ये हमारे स्कैल्प को और हेयर को हेल्दी बनाए रखती है। इस जूस को बनाने के लिए यूज़ किया गया है फ्रेश्ड एंड कोल्ड प्रेस्ड एलोवेरा एंड आमला जूस। इसमें फैट, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है और इसमें है विटामिन सी जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के 50% प्रोवाइड करती है। ऑल्सो एक कीटो फ्रेंडली है, वेगन फ्रेंडली एंड ग्लूटेन फ्री है। ये 100% प्योर अनडिल्यूटेड जूस है, इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया गया है जो इस फॉर्मुलेशन को और भी पोटेंट बनाती है। ये GMP सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड फॉर सेफ्टी, आयुष सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। हर बार इसको यूज करने से पहले आपको बॉटल को अच्छे से सेक कर लेना है और फिर आपको कैप में देखने को मिलेगा 30 ml का मार्क, तो आपको इस जूस को उतना ही लेना है। दिन में 2 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले इस जूस को 30 ml लेना है और 1 ग्लास पानी में मिक्स कर लेना है और इसे पीना है। अगर आप इस जूस को परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप मेरे कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 20% डिस्काउंट भी पा सकते हो। मैं आपको बिफोर आफ्टर रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगी। ये अभी का पिक्चर है, अभी मेरे हेयर के टेक्सचर कुछ ऐसे हैं जबकि 21 डेज पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी आप राइट साइड में देखिए हेयर कितने ज़्यादा डैमेज लग रहे हैं और उतना वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है। सो इस रूटीन को आपको रेगुलर फॉलो करने हैं 21 डेज के लिए। आपको इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूज करना है। अगर आप खुद पॉजिटिव रहोगे तो आपको असर जरूर दिखेगा। मैं आपको एश्योर करती हूँ ये आपको जरूर रिजल्ट देगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप अपना फीडबैक मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।